30-40% तो माल कम ही आए, मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आया। वही वो हड़ताल किया है ना वो लोग ने, पब्लिक ने इसके लिए। हाँ, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल बहुत बड़ा, मतलब अभी रेट बढ़ गया है सबका ना, मतलब माल कम आया क्वांटिटी कम आया तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले, तो रेट वही ना, रेट बढ़ गया उसके वजह से। लेकिन उतना फर्क नहीं रेट में पड़ा है, लेकिन माल का क्वांटिटी कम है। हाँ, माल कम आया है, बड़ा बड़ा ट्रक आया ही नहीं है, मतलब जो आता है छोटा छोटा गाड़ी में माल लेके आते वही लेके आए माल। अब इनका हड़ताल और भी लगा था दूसरा दिन है, अभी सोचना मांगता है, लेकिन इसमें गाड़ी वाले का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई कुछ जानबूझ के भी करेगा तो भी गाड़ी वाले को ही मरने का है, और ऐसा भी किसका गलती निकलते, गाड़ी वाले का ही निकलते। मतलब आपको कहना है कि सरकार इस कानून पे फिर विचार करे, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी बीच में है, भाग गया तो पब्लिक को ही, ड्राइवर को ही तकलीफ है। किस कोई मानता है क्या ड्राइवर का गलती नहीं है? गलती रहेगा नहीं रहेगा तो भी ड्राइवर को ही पकड़ते। अभी दो दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी, क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियां कहीं से भी नहीं आ रही है, छोटी गाड़ियां तो एक दो चमक रही है तुम्हें, ये भी तीन दिन पहले लोड हुई है, तीन दिन पहले लोड हो रही थी माल की, उतर रही है फिलहाल, ताजी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है, और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पे सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। अगर बात करें सब्जियों की, तो आज सब्जियों के दाम कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं? सब्जियों के दाम, जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है, जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कुछ सब्जी खत्म हो चुकी है मंडी के अंदर जो बाहर से सब्जी आने वाली है, जो लोकल सब्जी है जिन्हें किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रैक्टर द्वारा या किसी को अपने टेम्पो के द्वारा भेज देता है तो वो तो आ रही है, लेकिन जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो कोई नहीं आ रही।